हिसार जिला बार एसोसिएशन अध्यक्ष व जेजेपी के प्रवक्ता एडवोकेट मनदीप बिश्नोई ने बताया कि बार के दर्जनों अधिवक्ताओं ने किसान आंदोलन का पूर्ण समर्थन किया और इस विषय पर विचार रखते हुए केंद्र सरकार से इन बिलों को वापस लेने की मांग की है। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट मनदीप बिश्नोई ने कहा, इस आंदोलन में बार एसोसिएशन किसानों के साथ मजबूती के साथ खड़ी है और किसानों पर दर्ज मुकदमे की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि किसानों पर दर्ज मुकदमों को बार एसोसिएशन की तरफ से मुफ्त लड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री जब ये कह रहे हैं कि एमएसपी और मंडी व्यवस्था को बहाल रखा जाएगा तो इसको लिखित में दिए जाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जमाखोरी पर पाबंदी लगाने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम में ऐसे प्रावधान शामिल किए जाएं ताकि जमाखोरों के द्वारा कालाबाजारी ना की जा सके। इसके साथ ही बिलों में दीवानी अदालतों को सुनवाई से बाहर रखा गया है। इसमें संशोधन करते हुए दीवानी अदालतों को सुनवाई के क्षेत्र अधिकार दिए जाने का प्रावधान शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसान संगठनों की केंद्र सरकार के साथ बैठक है, अगर कोई सकारात्मक निर्णय नहीं निकलता है तो किसान हित में अगर धरना भी देना पड़ा तो बार एसोसिएशन पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की मांगे नहीं मानेगी तो आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अजय सिंह चौटाला व दिग्विजय चौटाला भी कह चुके हैं कि पहले हम किसान हैं और बाद में हम सत्ता के साथ हैं। उन्होंने कहा कि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी कह चुके हैं कि वो पहले किसान के साथ हैं। निश्चित तौर पर हम खुद किसान परिवार से जुड़े हुए हैं। हमारी बार एसोसिएशन के जो बहुत से साथी हैं, लगभग 75-80% जो साथी हैं वो डायरेक्ट किसानी से जुड़े हुए हैं, किसान के घर पैदा हुए हैं। इसलिए बहुत से सदस्यों की ये रिक्विजिशन आई थी कल, उसी सिलसिले में आज हमने बार एसोसिएशन की बैठक बुलाई और लगभग 1.5-2 घंटे तक दर्जनों अधिवक्ताओं ने, वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने अपनी राय दी और उनमें से जो राय निकल करके आई तो बार एसोसिएशन ने निर्णय लिया कि किसानों का समर्थन किया है और जो कृषि बिल हैं उनमें संशोधन करके, उन पर पुनर्विचार करके, विस्तार से उन पर चर्चा करके और उसके अंदर जो एमएसपी और मंडी व्यवस्था की जो बहाली है उसमें वो शामिल करें। दूसरा, जो ईसी एक्ट, जो एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के अंदर एक लिमिटेशन थी स्टॉक की, वो ख़त्म की हुई है, तो हमारी सरकार से ये डिमांड है कि उसमें भी अमेंडमेंट करके और ये किया जाए कि जो कोई व्यक्ति अगर कोई स्टोर करता है तो जिस रेट पर वो खरीद कर रहा है उस पर एक कैप लगनी, एक लिमिटेशन लगनी चाहिए कि वो कितना मुनाफा उस पर ले सकता है। और जब बार बार प्रधानमंत्री जी और कृषि मंत्री भारत सरकार ये कह रहे हैं कि एमएसपी को लेकर के और मंडी व्यवस्था को लेकर के किसानों को आशंकित होने की आवश्यकता नहीं है, तो मैं मानता हूँ कि अगर उसको लिखित में और उस बिल में शामिल करने में भी कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि सरकार का ये दायित्व है कि प्रत्येक व्यक्ति चाहे कोई भी हो अगर किसी बिल से कोई आशंकित है तो उस आशंका को दूर करना सरकार का दायित्व बन जाता है। केंद्र सरकार के साथ किसान संगठनों की मीटिंग है और हम उम्मीद करते हैं कि कल को इसका रिजल्ट निकल करके सामने आए और जो धरती पुत्र सड़कों पर हैं वो अपने घर को जाएं और उनकी मांगें पूरी हो, सरकार उनकी बातों पर सकारात्मक दृष्टि के साथ, सकारात्मक तौर पर विचार करें, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। अगर नहीं होता है तो फिर किसान संगठनों के जो समर्थन की बात है, हमें अगर कहीं भी जाना पड़ता है और किसी लेवल पर अगर आंदोलन करना पड़े तो बार एसोसिएशन निसार उसमें पीछा नहीं हटेगी। देखिए, मैं बिल्कुल एक राजनीतिक पार्टी का सेवादार हूँ, उनका प्रतिनिधि हूँ, तो जननायक जनता पार्टी भी जननायक चौधरी देवीलाल जी की पदचिन्हों पर चलती है। ये मुद्दा राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी और इनसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला जी भी कह चुके हैं हमारे लिए किसान पहले हैं और सत्ता बाद में। डिप्टी सीएम साहब ने भी क्लियर तौर पर ये बात कही थी कि मेरे लिए उप मुख्यमंत्री का पद बाद में है, किसान पहले हैं। अगर एमएसपी और मंडी व्यवस्था पर कोई दिक्कत आती है तो मुझे पद छोड़ने में एक सेकंड भी नहीं लगेगा, ये दुष्यंत जी ने आप लोगों को बिल्कुल क्लियर तरीके से कहा। मेरे विचार से तो देखो कर रहे हैं, और कल जिस तरह डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने और दिग्विजय सिंह जी की जो स्टेटमेंट आई है उसमें क्लियर कट है कि किसान की बात सुनी जानी चाहिए, किसान सड़कों पर नहीं घूमना चाहिए, सड़कों पर नहीं रहना चाहिए, ठंड से उसे बचाना चाहिए, सरकार को उसकी मांगों पर विचार करना चाहिए, क्योंकि ये मामला केंद्र सरकार का है।